एबीपीएस न्यूज। गांव की जरूरतों व आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक बिलारी में स्थित गुरगांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 14 किलोमीटर है। लगभग 3,500 की आबादी व 1,000 वोटरों द्वारा सर्वेश देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 410 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो जूनियर व प्राइमरी पाठशाला में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 45 हैंडपंप लगे हुए हैं। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 140 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगाई गई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 5 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पुलिया, पानी निकासी के लिए नाली, स्कूल की बाउंड्री का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास का निर्माण भी कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, स्कूल की बाउंड्री, स्वास्थ्य केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम पंचायत गुरगांव का निवासी हूँ और मेरा ये रास्ता बहुत ख़राब था, पहले कीचड़ थी, बहुत गंदगी थी, इसमें अब सही हो गया है। प्रधान जी ग्राम पंचायत गुरगांव के द्वारा ये काम कराया गया है और भी गांव में हमारे प्रधान जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में ग्राम प्रधान ये जो खरंजा जो है टेलसीसी, अब से बहुत काल में ये बहुत ख़राब थी, जिसका पूरा ये सिस्टम बिगड़ा हुआ था, कीचड़ था यहाँ पर जी। और वर्तमान में ये टेलसीसी हो गई है, ग्राम प्रधान द्वारा कराई हुई है टेलसीसी, बहुत ही अच्छा काल चल रहा है। ग्राम पंचायत गुरगांव प्रधानपति ब्लॉक सैसपुर बिलारी आंशिक, हमने विकास कार्य 5 टेलसीसी रास्ता कराए, स्कूल की बाउंड्री कराई, गांव में 50 लाइट है अपने समय पे लगवाई, प्रधानमंत्री आवास दो आवास दिलवाए और 18 लोहिया आवास बनवाए। आगे के लिए 20-25 पात्र हैं, उनके लिए और दिलवाने सोच रहे हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार से आपकी डिमांड क्या है गांव के लिए? डिमांड चारों तरफ से गांव जोड़ा जाए, हमारा चारों तरफ से गांव जोड़ा जाए, रास्ता गांव को रोड नहीं है कोई, और करीब गरीब लोग रह गए 25, उनके लिए प्रधानमंत्री योजना से आवास मिल जाए, और जो गांव के बाहर बाईपास रास्ता है उनके लिए खरंजा है के लिए डिमांड है सरकार। और जब 20 पोल और